जगह यूपी का बदायूं। कार्यक्रम था सीएम योगी का, लेकिन सीएम योगी के पहुंचने से पहले ही मंच पर एक महिला नेता रोती हुई नजर आई। बड़े मंच पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने रोती ये महिला नेता संघमित्रा मौर्य हैं। संघमित्रा फिलहाल बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, दुर्विजय शाक्य को यहां से टिकट दिया। सीएम योगी के आने से पहले मंच पर बैठकर रोती संघमित्रा मौर्य का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर भरे मंच से वो इस तरह क्यों रो रही थी, इसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। यूपी के बदायूं में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बदायूं आना था। सीएम योगी के आने से पहले मंच पर बीजेपी के तमाम नेता अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। मंच पर संघमित्रा मौर्य के पास यूपी की मंत्री गुलाब देवी बैठी थीं। इस बीच अचानक से संघमित्रा मौर्य रोने लगीं। हालांकि बाद में जब सीएम योगी पहुंचे तब वो नॉर्मल हो चुकी थीं। उन्होंने बाकायदा सीएम योगी के साथ मंच भी साझा किया और कार्यक्रम में आए लोगों का अभिवादन भी किया। इस बीच जैसे ही संघमित्रा के रोने का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं होने लगीं कि बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया और इसी बात से दुखी होकर वो मंच पर रोती हुई नजर आई थी। लेकिन असल कहानी तो कुछ और है। आज तक के अंकुर चतुर्वेदी ने जब संघमित्रा से उनके रोने वाले वीडियो को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने खुद इसके पीछे की कहानी बताई। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। संघमित्रा ने अपनी इस बात से उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो टिकट कटने की वजह से रोई थी। हालांकि इस बीच जब उनसे दुर्विजय शाक्य की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान करती है। टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूं, अपना चुनाव समझ करके मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट दिया था। बदायूं सीट पर साल 1996 से सपा का कब्जा था, मगर 2019 में संघमित्रा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर इस मिथक को तोड़ा। हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दुर्विजय शाक्य को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बदायूं सीट पर दुर्विजय शाक्य का मुकाबला सपा के शिवपाल यादव से है। इस बीच सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के पीछे उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के हाल ही में दिए बयान हैं। बीते कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले संघमित्रा मौर्य ने रामचरितमानस विवाद पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था, इससे पार्टी के नेता नाराज हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। फिलहाल उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच अपना टिकट कटने पर संघमित्रा मौर्य का साफ कहना है कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर है। अब जब संघमित्रा मौर्य का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर तमाम अटकलों को हवा मिल गई। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।